नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल लर्न बिल्डिंग टेक्निक्स में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं आपसे सुखी जीवन के लिए पौराणिक बिल्डिंग टेक्निक यानी वास्तुशिल्प शास्त्र, आधुनिक टेक्निक जैसे बिल्डिंग बायोलॉजी एवं भवन निर्माण की आधुनिक टेक्निक यानी सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ। आज मैं बात करूंगा भवन निर्माण के लिए भूमि चयन की। मित्रों, भवन निर्माण के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है भूमि चयन। भूमि का जीवनदायिनी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होना आवश्यक है। ऐसी भूमि पर निवास करने वाला व्यक्ति सतत उन्नतिशील रहते हुए सुखी जीवन व्यतीत करता है। किसी भी भूमि की एनर्जी का परीक्षण करने के लिए आधुनिक विज्ञान में कोई भी तकनीक उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हमें प्राचीन वास्तु विज्ञान एवं प्रकृति की शरण में ही जाना पड़ेगा। बंधुओं, प्रकृति हमें पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों के माध्यम से ढेर सारी जानकारियां देती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पशु पक्षियों से शुभ या अशुभ भूमि का पता कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं शुभ अशुभ भूमि के अन्य लक्षणों की बात करूंगा। जिस भूमि पर काक एवं कबूतर या कुत्ते लंबे समय से निवास करते हो, उस भूमि पर भवन बनाने से रोग, शोक, भय एवं क्लेश होता है। ऐसी भूमि पर कभी भूलकर भी भवन निर्माण नहीं करना चाहिए। गिद्ध पक्षियों के निवास वाली भूमि पर निर्माण करने से धन का नाश एवं गृह स्वामी की मृत्यु होती है। यदि भूमि में सांप की बावियां हों या हमेशा पतंगे उड़ते हों, तो ऐसी भूमि पर भवन बनाने से अशुभ घटनाएं होती रहती है। कभी भी भूमि का चयन यदि हम कर रहे हैं तो वहां पर जाकर इन लक्षणों को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपको भूमि में दिखते हैं तो कदापि उस भूमि का चयन अपने भवन निर्माण के लिए ना करें। ये तो हुई अशुभ भूमि के लक्षण। अब हम जानते हैं शुभ भूमि या पॉजिटिव एनर्जी वाली भूमि के बारे में। नेवलों के निवास वाली भूमि बहुत शुभ होती है। यदि किसी भूमि पर नेवले निवास करते हैं तो उस पर भवन निर्माण करने से हमेशा शुभ होता है। आप भूमि में जाके शाम के समय यदि वहां जाकर दिखें और वहां पर कौवे चोंच मारते हुए दिख जाएं, तो ऐसी भूमि को तुरंत ले लीजिए। कुछ ज्यादा कीमत देकर भी मिले तो भी ले लें, क्योंकि यह भूमि आपको धन एवं वैभव देने वाली सिद्ध होगी। इसी प्रकार जिस भूमि पर मोर पांव से जमीन खोदते दिख जाए, उसको किसी भी कीमत पर लेना फायदे का सौदा है। यह भूमि आपको अपार धन संपदा प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। यह आपको इतनी धन देगी कि आप उसको संभाल ना पाएंगे। मित्रों, पशु पक्षी कभी भी गलत संकेत नहीं देते। मेरे बताए हुए लक्षणों को आप यदि याद रखते हैं और इसके अनुसार भूमि को लेने या ना लेने का निर्णय करते हैं तो आपका जीवन हमेशा सुख एवं संपन्नता से भरा रहेगा। धन्यवाद।